जौनपुर के रानीवाड़ा के सेड़िया से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दो गुटों के बीच विवाद में पत्थरबाजी हुई है। कांग्रेस समर्थकों पर निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों के बीच पत्थरबाजी की घटना हुई है। सूचना के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है, तो वहीं पुलिस स्थिति पर नियंत्रण के प्रयास में जुटी है। दो गुटों के बीच विवाद और पत्थरबाजी की बात सामने आई है, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला है। रानीवाड़ा के सेड़िया से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दो गुटों में झगड़ा हुआ, विवाद होने के बाद पत्थरबाजी हुई, तो वहीं सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है, पुलिस ने मोर्चा संभाला है। जालौर के रानीवाड़ा में सेड़िया गांव की यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दो गुटों के बीच विवाद हुआ और इसके बाद पत्थरबाजी हुई है। कांग्रेस समर्थकों पर निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों के बीच यह पत्थरबाजी की घटना हुई है। जालौर के रानीवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दो गुटों के बीच विवाद हुआ है, पत्थरबाजी हुई है, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला है। कांग्रेस समर्थकों और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों के बीच ये झगड़ा हुआ है, जहां पर बात पत्थरबाजी तक जा पहुंची। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह उमट। रविंद्र, क्या कुछ मामला है? कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थक और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों के बीच झगड़ा हुआ है और पत्थरबाजी हुई है, क्या है फिलहाल स्थिति? जी आशीष, मैं बताना चाहूंगा कि रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के शेड़िया गांव में दो गुटों के बीच विवाद हुआ है। वहीं दो गुटों के बीच में पत्थरबाजी होने की भी जानकारी मिल रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कांग्रेस समर्थकों व निर्दलीय जो प्रत्याशी है उनके समर्थकों के बीच जोरदार पत्थरबाजी हुई है और पुलिस प्रशासन भी मौके पर है। पुलिस स्थिति पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। हालांकि पत्थरबाजी में किसी के घायल होने की अभी तक जानकारी नहीं मिल रही है। वहीं जो पूरा विवाद हुआ वो मतदान केंद्र के बाहर हुआ है और फिलहाल रानीवाड़ा SDM प्रकाश चंद्र अग्रवाल, रानीवाड़ा तहसीलदार शंकरलाल मीणा, पुलिस उप अधीक्षक रतनलाल, कराड़ा थानाधिकारी अवधेश साधु भी मौके पर है। जी जी मतदान के दौरान ये घटना हुई है? जो मतदान केंद्र है उनके बाहर ये जो पूरी घटना हुई है और जी। अभी पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर है। जी मतदान की क्या स्थिति है, क्या पोलिंग चालू है या रोक दी गई है? नहीं, सेड़िया में बात करें तो वहाँ पे पोलिंग अभी जो मतदान है वो अभी स्टार्ट है। मतदान में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आई। जैसी पत्थरबाजी हुई पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया और जो दोनों के जो समर्थक थे उनपे जो स्थिति थी वो पुलिस ने नियंत्रण कर लीजिए। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे रानीवाड़ा संवाददाता रविंद्र सिंह उमट, जिन्होंने बताया कि मौके पर पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है, स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है। मतदान केंद्र के बाहर की यह घटना है, जहां पर दो प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान पत्थरबाजी हुई। लेकिन अच्छी बात यह रही कि इस पत्थरबाजी की घटना में किसी की कोई हताहत होने की खबर नहीं है।